हेलो दोस्तों, आपको फिर से थिंग्स आई लर्न में स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था बास्केटबॉल क्या है और बास्केटबॉल के बेसिक रूल्स के बारे में एक वीडियो बनाया था। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया और आपको कुछ हेल्प हुआ, आप कुछ उससे सीखे। अब आज मैं इस वीडियो में आपको ड्रिबलिंग कैसे करते हैं और बॉल को कैसे कंट्रोल में रखते हैं जब आप बास्केटबॉल खेलते हैं अपने दोस्त लोगों के साथ या आपके कॉलेज में, तो उस टाइम में ड्रिबलिंग कैसे करना है और ड्रिबलिंग कैसे सीखना है। बेसिकली आप अगर बास्केटबॉल पहली बार खेल रहे हो और बास्केटबॉल सीखने की ट्राई कर रहे हो तो यू नो ड्रिबलिंग कैसे करना है अब देखते हैं हम, ठीक है ना। सो क्या करना है, आपको बॉल को कंट्रोल में रखना है। जब आप ड्रिबलिंग करते हैं बॉल को हमेशा कंट्रोल में रखना है। अगर बॉल आपके कंट्रोल में है तो आपका अपोनेंट या डिफेंडर वो बॉल नहीं लेगा, नहीं चुराएगा। सो इसलिए ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना। सो ये ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा ऐसे बॉल को पकड़ने में ऐसे, ठीक है ना, उससे आपका कंट्रोल बढ़ता है। सो उसके बाद जब मैंने पहले बॉल स्टार्ट किया था तो मैं कैसे ड्रिबलिंग करता था कि ऐसे करता था। देखिए ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बॉल कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है ना। सो इससे ये हाथ के इस पार्ट से बॉल को नहीं मारना है। कैसे मारना है बॉल को कि फिंगर टिप्स, ये जो आपके ये होते हैं ना फिंगर, क्या बोलते हैं इसको, उंगली के टॉप जो है ना, उंगली के टॉप पार्ट से हम ड्रिबलिंग करना है। ऐसे देखिए ऐसे किया तो ज़्यादा कंट्रोल होता है। ज़्यादा कंट्रोल हुआ तो हमारा अपोनेंट बॉल नहीं चुराएगा। सो ऐसे करना है, ठीक है ना। सो ये ड्रिबलिंग कैसे करना है, पाम से नहीं करना है, फिंगर से करना है, अपनी उंगली से करना है। उंगली को थोड़ा ऐसे बना के उंगली से पकड़ना है आपको, ऐसे पकड़ना है बॉल को, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको ये आ गया तो आपको अब ड्रिबलिंग करने के टाइम में थोड़ा बैठना है। ऐसे कि आप चेयर पे कुछ कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ऐसे बैठ के बॉल को ड्रिबलिंग करना है। बॉल को ना आपको जितना हो सके नीचे ड्रिबलिंग करना है, क्योंकि आपका अपोनेंट बॉल नहीं ले पाएगा। अगर ऐसे ऊपर किया तो वो पकड़ेगा, वो चुराएगा। इसलिए आपको थोड़ा नीचे करना है, थोड़ा नीचे ड्रिबलिंग करना है, ये सीखना है। नीचे जितना नीचे किया आपको उतना आपको अच्छा है, कोई बॉल नहीं चुराएगा, ठीक है ना। सो ये किया है, ये तो अभी हुआ, आपके अपोनेंट कोई भी नहीं है। अगर आपके आगे कोई अपोनेंट आया तो उस टाइम में आपको ये जो हाथ है, जिन हाथ आप ड्रिबलिंग नहीं कर रहे हैं, उस हाथ को आगे लाना है और आपके बॉडी को बीच में लाना है। बॉल और आपके डिफेंडर जो है उसके बीच में आप और आपका हाथ ऐसे होना है, ठीक है ना, ऐसे होना है। थोड़ा इधर चेंज किया तो ऐसे होना है, ठीक है ना। सो ऐसे रहना है। बेसिक ड्रिबलिंग का यही है। अगर आपका डिफेंडर आया तो आप थोड़ा प्रैक्टिस किया, थोड़ा एडवांस लेवल पे गए तो आपको क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा ऐसे क्रॉस ओवर कर सकते हैं आपके पैर के नीचे इधर करके, आपको डिफेंडर को थोड़ा बीट कर सकते हैं, डिफेंडर के आगे जा सकते हैं, उसको कंफ्यूज कर सकते हैं ऐसे करके पीछे। ये ऐसा मूव होता है, वो मूव धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, लेकिन बेसिक के लिए इतना ही है। एक बार रिपीट करते हैं, आपको फिंगर टिप से ड्रिबलिंग करना है, उंगली से ड्रिबलिंग करना है, ताकि ऐसे करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे रहना है और जितना हो सके नीचे ड्रिबलिंग करना है, ठीक है ना, ऐसे दो हाथ से करना है, ऐसे करना है। अगर आपका डिफेंडर आया तो आपका दूसरी वाला हाथ आगे करके अपनी बॉडी को बॉल और डिफेंडर के बीच में लेके इधर उधर ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है ना। ऐसे करते करते आपको रिंग के तरफ जाना है, और अगर हो सके तो अपना दोस्त को पास देना, नहीं तो उधर जाके शूट करना है और कुछ भी कर सकते हैं आप उसके बाद, ठीक है ना। तो ड्रिबलिंग वही है बेसिकली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सहयोग, कुछ हेल्प हुआ तो कृपया लाइक कर देना वीडियो को। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। और आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं शूटिंग के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले हफ्ते फिर आइएगा इस चैनल पर और वीडियो आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और बाय बाय।